सबको नमस्ते, आपका पूनम किचन में स्वागत है। आइए आज हम लहसुनी आलू बनाते हैं, लहसुनी बेबी पटेटो। इसके लिए मैंने कढ़ाई में आलूओं को गोल गोल काट लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसको हम छिलकों के साथ ही बनाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सर्दी में छोटे छोटे पटेटोज बहुत आते हैं, तो आज हम बना रहे हैं लहसुनी बेबी पटेटो। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक इसको अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। अब हम आलू को अच्छी तरह से पकाने के लिए इसे ढक देंगे। आलू गल चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के 2 चम्मच डालने हैं। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये आलू बहुत ही करारे बनते हैं और टेस्टी लगते हैं। अब मैंने इसमें हरी लहसुन 1.5 साली डाल दी है और इसमें ग्रेटेड अदरक भी डाल दी है। हरी लहसुन से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, कुरकुरे बने हैं आलू, मसालेदार। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इन आलुओं को हम कुरकुरा बनाएंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, हमने इसको सेक लिया है। देखिए आलू बिल्कुल गल चुके हैं। आइए अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म लहसुनी बेबी पटेटोस खाने के लिए तैयार हैं। बहुत गर्मा गर्म है, आप इसे चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि ये कैसे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।